हिमाचल सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक जसूर में संपन्न हुई। बैठक में परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में मांगे ना मानने को लेकर सरकार के प्रति रोष भी जताया गया और नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। इस दौरान हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की हिमाचल सरकार लगातार अनदेखी कर रही है, जिसे लेकर हमीरपुर में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने की रूपरेखा तय की जाएगी। उन्होंने बताया साल 2022 को इस सरकार के खिलाफ आंदोलन वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि परिवहन निगम सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्थायी पेंशन का मुद्दा सुलझाएंगे, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने उदासीन रवैया अपनाते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अनदेखी की है। सरकार ने अभी तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देय भत्ते नहीं दिए हैं और उन्होंने बताया कि सरकार को उनकी मांगे मानने के लिए आंदोलन के जरिए बाध्य किया जाएगा। कृपाल पुरानिया, प्रदेश उपाध्यक्ष, हिमाचल सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच, जिस तरह हमारा मंच आज हमने पूरपुर में परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बैठक का आयोजन किया है, इसमें हमारा मुख्य मुद्दा आज एक था कि सबसे पहले तो यहाँ नूरपुर में जो इकाई आज गठित की है, इसका हमने विधि पूर्वक और सर्वसम्मति से चुनाव करवाया। नंबर दो, जो हमारा हिमाचल प्रदेश सरकार जो हमारी अनदेखी कर रही है परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की, उनके लिए हमने रूपरेखा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कल बुलाई गई है मीरपुर में। आज यहाँ हमने तय किया है यहाँ से कितने आदमी वहाँ जाएंगे और आगे के लिए रूपरेखा तय कर रही है कि 2022 जो आने वाला हमारा वर्ष है वो इस सरकार के खिलाफ आंदोलन का वर्ष होगा। हमारी मुख्य मांग है हमारा सरकार जो है हमारी पेंशन का स्थायी प्रावधान करे, जो इन्होंने वायदा किया था, अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था, 4 साल हो गए आज तक आनाकानी कर रहे हैं। नंबर दो, हमारे देश जो भत्ते हैं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के, वो सारे हमें समय अनुसार जो है वो प्रदान किए जाएं, ये हमारा मुख्य एजेंडा है। और 2022 में जो हमारा आंदोलन का वर्ष होगा हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का, इसमें हम ये सरकार को बाध्य करेंगे, चाहे धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, इसमें सरकार को बाध्य करेंगे कि हमारे जो हैं देय भत्ते जो हैं उनको अदा करें।